हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरी एंड ब्यूटी टाइम। आज मैं वीडियो अगेन में लेकर के आई हूँ आप लोगों से। वैसे तो इयररिंग्स की ऐसा टॉपिक है कि इसकी वीडियोज मैं आए दिन आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरे को इयररिंग कलेक्ट करना एक्चुअली बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से इसकी डिजाइन शेयर करती रहूँगी, जिससे आइडियाज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो आज मैं लेकर के आई हूँ इयररिंग, ऑक्सीडाइज इयररिंग ज्वेलरी, जो काफ़ी ट्रेंडी है। और मुझे इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को भी श्योर पसंद आने वाला है, जरूर पसंद आने वाला है। तो अगर पसंद आ जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ज्वेलरी से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ और आज शेयर करती हूँ आप लोगों से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डिज़ाइन। पहली इयरिंग है ऑक्सीडाइज मेरी, ये काफ़ी अच्छा लगता है, इस टाइम काफ़ी ट्रेंडी है ये ज्वेलरी। मुझे इस टाइप की इयरिंग बहुत पसंद आती हैं। वैसे भी आप जानते ही हैं, मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है, मुझे इयरिंग कलेक्शन काफ़ी पसंद है। इयरिंग कलेक्ट करके रखना, उसको वेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो एक ये है, और इस टाइप की सिंपल सिंपल बालियाँ, और ये छोटू सा इयरिंग लोटस डिजाइन में। मतलब इसकी खासियत पता क्या, इसकी खासियत सबसे अच्छी है कि लोटस शेप में है ये लोटस, और ये इसके लटके मुझे काफी अच्छे लगते हैं। आप देखिए कितना क्यूट है, मतलब कितना प्यारा लगता है। मतलब लोटस जो इसका शेप है ना, पूरा लोटस के शेप में है, मुझे बहुत ऑसम लगता है। ये वाली इयरिंग मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट इयरिंग है इस कलेक्शन में ये। और एक ही फिंगर रिंग है, ये फिंगर रिंग मुझे बहुत पसंद आती है मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। जब मैं ज्वेलरी पहनती हूँ उसके साथ में ये फिंगर रिंग में जरूर वेयर करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है मेरी ये फिंगर रिंग। आई होप इसका डिज़ाइन फोकस हो पा रहा होगा। और एक ये है गले का नेक पीस है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसकी जो ये बनावट है ना, ये बनावट मैं आप कैसे शेयर करूँ आप लोगों से, इसको दिक्कत होगी थोड़ा, एच में ऐसे फोल्ड कर देती हूँ इसको। इसकी जो ये बनावट है ना, जिसमें मतलब इसको क्या कहा जाए मुझे समझ में नहीं आता, ये छोटे छोटे से स्टोन पत्थर, मतलब इसको इतने अच्छे से मतलब जड़ा हुआ है ना इसमें, बहुत अच्छा लगता है देखने में। मतलब ये निकलने वाला भी नहीं है, ये छूने में बिल्कुल टच नहीं है, ऊपर आता नहीं है, उभरा उभरा वैसा नहीं है, काफ़ी जमावटी है, काफ़ी अच्छे से इसको बिठाया हुआ है, ये रेड रेड करके मोती है, ये स्टोन काफ़ी अच्छे से बिठाया हुआ है। मतलब इसका जो वर्क है ना, इसका जो काम किया हुआ है, इसका डिज़ाइन जो किया हुआ है ना, मतलब काफ़ी तारीफ के लायक है, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा था और मैंने ये ज्वेलरी लिया था। नेक पे वेयर करने में काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी गुड लुकिंग लगता है देखने में, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था ये। सो मैंने इसको जैसे देखा तुरंत मैंने ले लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये। एक कलेक्शन में मेरी एक ये भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसको आप ना मतलब किसी मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तरह से भी किसी भी टाइप से अगर आपने आउटफिट अगर आपने वेयर कर रखा है तो अच्छा लगता है। और अगर आपने राजस्थानी जयपुरी टाइप से अगर आपने लहंगा वेयर कर रखा है, तो जिसको चनिया चोली भी कहते हैं, इस टाइप से अगर आपने वेयर कर रखा है, तो उस पर तो इस टाइप की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऑसम लगती है, बिल्कुल वेयर करने पर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये इयरिंग मैंने खासकर ये सेट इसलिए ले लिया था कि जैसे गुजरात टाइप से जो प्रिंट आती है ना, वो राजस्थानी टाइप से जो लहंगे आते हैं, उस टाइप के लहंगे पर इस टाइप की अगर ज्वेलरी पहनी जाए तो काफ़ी अच्छी लगती है। और इस टाइम तो वैसे भी इस टाइप की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंडी है, सो मैंने भी अपने कलेक्शन में इसको ऐड कर लिया, मुझे अच्छा लगा इसका डिज़ाइन देखने में, काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो ये तो था मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटा ही कलेक्शन है, थोड़ा ही है, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, पर इस चीज़ को मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा आप लोगों को जरूर अच्छा लगा, अगर लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। और कौन सी ज्वेलरी या कौन सी इयरिंग इस वीडियो की आप लोगों को मेरी ज़्यादा अच्छी लगी,
प्लीज़ आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे इससे पहले बहुत खुशी मिलती है, दूसरा मुझे ये मिलता है, मुझे ये लगता है कि मेरे कलेक्शन में से अगर आप कोई बताते हैं कि ये वाला कलेक्शन मुझे आपका अच्छा लगा, तो उस टाइप से मैं ज्वेलर्स लेकर के और आपको आइडियाज शेयर करती रहूँगी। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।